अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन का मेथड देख रहे हैं और जिस सिस्टम के ऊपर हम ये वर्किंग करेंगे वो हमारे पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हमने बूटेबल यूएसबी जो है वो इस वक्त अटैच कर दी हुई है। तो जस्ट राइट क्लिक ऑन स्क्रीन, प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त जो विंडोज़ नज़र आ रही है वो विंडोज़ 10 है और यही हम विंडोज़ करने जा रहे हैं। ये जो मशीन है वो HP की मशीन है और प्रोसेसर हमारे पास है कोर i3 थर्ड जनरेशन। हमारे पास सिस्टम है 2.4 इसकी पावर है और 4 GB रैम के साथ हमारे पास ये फर्दर वर्किंग में मौजूद है। अब जस्ट इसको क्लोज़ करते हैं और अपने कंप्यूटर को बूटेबल USB से बूट करने के लिए अपनी वर्किंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा मेरा सिस्टम जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करने जाएगा और ये चेक करेगा कंप्यूटर को कि किस ऑप्शन के साथ आप अपने कंप्यूटर को जो है वो बूट करना चाहते हैं। सिर्फ हमारे सिस्टम पर रीस्टार्ट का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रहा है। बायोस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। हमारे पास बायोस का वर्जन है, अगर आप मेमोरी टेस्ट करना चाह रहे हैं F2, इसकी शॉर्टकट की है, डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट होती है। F2, F1 या F10 के साथ भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ये फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस टेस्ट को क्लोज़ करता हूँ और मैं बायोस स्क्रीन पे आना चाहता हूँ